गुड मॉर्निंग एवरीवन आप सभी का हमारे एग्जाम की चैनल पर स्वागत है तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपास सर्वे कंपास सर्वे होता गया है तो कंपास के द्वारा किया गया सर्वे ही कंपास सर्वेइंग कहलाता है इसमें हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं मेरिडियन तो मेरिडियन क्या होता है द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन इज डिफाइंड बाय द हाइजोन्टल एंगल विच द लाइन मेक्स विद अ रेफरेंस लाइन द फिक्स लाइन ऑफ अ रेफरेंस स्कॉल मेरेडियन तो मेरेडियन एक फिक्स डायरेक्शन है जिसके रेफरेंस से किसी सर्वे लाइन की बियरिंग मेजर करते हैं अगर इसको हम देसी भाषा में समझें तो एक फिक्स डायरेक्शन से किसी भी सर्वे लाइन के बीच का जो एंगल मेजर किया जाता है उसी को हम मेरिडियन कहते हैं तो ये ए बी हमारा मेरिडियन हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेरिडियन के टाइप्स होते कितने हैं तो मेरिडियन के चार टाइप होते हैं पहला होता है आपका ट्रू मेरिडियन नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक मेरिडियन थर्ड ग्रिड मेरिडियन और फोर्थ आर्बिट्रेरी मेरिडियन तो सबसे पहले ट्रू मेरेडियन को देखते हैं तो थ्रू मेरेडियन को एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर ज्ञात किया जाता है थ्रू मेरेडियन के साथ समय के साथ नहीं बदलता है तो हमारे अर्थ के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही हम थ्रू मेरेडियन कहते हैं जो कि हमारा समय के साथ नहीं बदलता है इसके रेस्पेक्ट से किसी भी सर्वे लाइन का हॉजनटल एंगल मेज़र करते हैं तो वो एंगल हमारा ट्रू बियरिंग कहलाता है और इसको हम ट्रू मेरेडियन कहते हैं नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक मेरेडियन पे। तो मैग्नेटिक मेरेडियन में किसी भी चुंबकीय सुई को फ्री छोड़ के जो डायरेक्शन शो करती है वह मैग्नेटिक मेरेडियन कहलाती है पर हमें ध्यान रहे कि सुई लोकल एट्रैक्शन से फ्री होनी चाहिए अब एक वर्ड आया लोकल अट्रैक्शन होता क्या है तो लोकल एट्रैक्शन जब हम सुई को अपने कंपास सर्वे में रखते हैं तो वो सुई किसी भी लोकल आसपास के मैग्नेटिक सब्सटेंस से इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए जैसे कि हमारे हाथ का कड़ा और बेल्ट का छल्ला अंगूठी कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारी निडिल को प्रभावित कर सकती है अपने डायरेक्शन से वो हमारा लोकल अट्रैक्शन कहलाता है अब मान लीजिए हमारी अर्थ से नॉर्थ और साउथ तो हो गया थ्रू मेरिडियन इसके ही पैलर में एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है अब इसके रेस्पेक्ट से लिया गया सर्वे लाइन का लिया गया कोई भी बेयरिंग मेजर करते हैं तो वो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है नेक्स्ट आते हैं ग्रिड मेरिडियन पे तो ग्रिड मेरिडियन कुछ भी ऐसा खास नहीं है ग्रिड मेरिडियन होता यह है कि हमारे किसी भी एरिया के सेंट्रल पोर्शन से ट्रू मेरेडियन पास होता है उस मेरेडियन को ग्रिड मेरेडियन हम कहते हैं तो ग्रिड मेरेडियन किसी भी देश के सेंट्रल पोर्शन से ट्रू मेरेडियन पास होता है उसी को हम ग्रिड मेरिडियन कहते हैं नेक्स्ट आता है आर्बिट्रेरी मेरेडियन तो आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार माना गया कोई भी मरीडियन जब हमें अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी प्रैक्टिकल में हमें अपनी इच्छा के अनुसार मान लेते हैं कि ये कोई मेरिडियन है उसके रेस्पेक्ट में कोई भी सर्वे लाइन का एंगल मेजर करते हैं तो ये हमारा ए बी मान लीजिए ये आर्बिट्रेरी मेरिडियन हो जाएगा नेक्स्ट आते हैं बियरिंग तो अब ये बियरिंग क्या होती है तो बियरिंग ऑफ अ लाइन इज द हॉस्जोंटल एंगल विच इट मेक्स विद अ रेफरेंस लाइन तो सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें तो इंक्लिनेशन या हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द मेरीडियन एंड सर्वे लाइन तो किसी भी मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच का जो एंगल है इसी को थीटा मान लीजिए ए बी हमारी मेरीडियन है और बी सी हमारा सर्वे लाइन है इसके बीच का जो थीटा है यही हमारा बियरिंग कहलाता है तो बियरिंग के भी चार टाइप्स होते हैं पहला है ट्रू बियरिंग तो ट्रू बियरिंग होता है हमारा कि ट्रू मेरिडियन से किसी भी रेखा का हॉरिजॉन्टल ट्रू मेरिडियन से किसी भी रेखा का हॉरिजॉन्टल एंगल ट्रू बेयरिंग कहलाएगा नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिक बेयरिंग पे तो मैग्नेटिक मेरिडियन से किसी भी रेखा का झुकाव या हॉरिजॉन्टल एंगल मैग्नेटिक बेयरिंग कहलाता है ग्रिड बेयरिंग ग्रिड बियरिंग भी सेम टू सेम ऐसा ही है कि, कि किसी भी सर्वे लाइन का ग्रिड मेरिडियन से माना गया एंगल ग्रिड बियरिंग कहलाएगा आर्बिट्रेरी बियरिंग किसी भी आर्बिट्रेरी मेरिडियन से माना गया एंगल हमारा आर्बिट्रेरी बियरिंग कहलाता है तो इस प्रकार हमने अपना मेरिडियन और बियरिंग समझ लिया नेक्स्ट आते हैं होल सर्किल बियरिंग सिस्टम पे। तो आकी ये होल सर्कल बियरिंग सिस्टम कुछ भी नहीं है द डब्लू सी बी होल सर्कल बियरिंग को हम शॉर्ट फॉर्म में डब्लू सी बी भी कहते हैं द डब्लू सी बी ऑफ अ लाइन इज़ द हॉजोंटल एंगल बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्थ एंड ऑफ द रेफरेंस मेरीडियन इन द क्लॉक वाइज डायरेक्शन तो सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊँ तो किसी भी रेफरेंस मेरीडियन जो नॉर्थ और साउथ हो किसी भी सर्वे लाइन तक का एंगल मेज़र करते हैं उसे हम डब्लू में रखते हैं पर डब्ल्यू हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेज़र किया जाता है जो डब्लू के किसी भी लाइन का डब्ल्यू होता है उसका थीटा मतलब कि एंगल जीरो डिग्री से तीन सौ साठ डिग्री के बीच में ही होगा और हम डब्ल्यू को प्रेसमेटिक कंपास से मेजर करते हैं नेक्स्ट आते हैं अब देखिए आप लोग कि डब्ल्यू में ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है यह नॉर्थ है यह साउथ है ये ईस्ट है ये वेस्ट है।, है, है अब अगर हमने सर्वे लाइन मानी ओ ए तो ओ ए के बीच में बनने वाला एंगल थीटा वन होगा और ये क्लाक डायरेक्शन में होगा क्लाक का मतलब हुआ कि सुइस की चलती हुई दिशा में नेक्स्ट आते हैं और हमेशा याद रखिएगा डब्ल्यू को नॉर्थ और साउथ से ही हम मेज़र करते हैं नेक्स्ट आते हैं ओ पे देखिए ओ बी की बात करें तो ओ बी ओ लाइन इस लाइन से नॉर्थ से बनने वाला एंगल थीटा टू होगा नेक्स्ट सर्वे लाइन की बात करें ओ सी तो नॉर्थ से बनने वाला एंगल ओ सी तक का थीटा थ्री होगा और ओ डी तक का बनने वाला एंगल थीटा फोर होगा तो इस प्रकार हम डब्ल्यू सी बी का मेजरमेंट कर लेते हैं नेक्स्ट आता है हमारा क्वाड्रेंट्रल बियरिंग सिस्टम इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्यूबी सिस्टम भी कहते हैं तो क्यूबी सिस्टम में द क्यूबी ऑफ अ लाइन इज़ द एक्यूट एंगल विच द लाइन मेक्स विद द मेरेडियन तो क्यूबी सिस्टम मैं सिंपल शब्दों में बताऊं कि किसी भी फील्ड में सर्वे लाइन का क्लाक या एंटी क्लाक डायरेक्शन में एंगल मेज़र करना है जो कि नॉर्थ से या साउथ से जिससे भी नियरेस्ट हो वहां से हम इस एंगल को मेजर करते हैं तो नेक्स्ट लाइन पॉइंट देखिए आप द कॉर्डरेंटिक बियरिंग इज मेजर फ्रॉम द नॉर्थ पॉइंट और द साउथ पॉइंट वेयर विच एवर इज क्लोजर देयर फोर द कॉर्डरेटरिंग बियरिंग ऑफ अ लाइन कैन नॉट बी ग्रेटर देन नाइन्टी डिग्री तो कॉर्डरेटिक का मतलब ये होता है कि हमारा कोई भी नाइन्टी डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए देखिए नॉर्थ से ईस्ट जा रहे हैं तो भी नाइन्टी साउथ से ईस्ट नाइन्टी तो सारे चारों कॉर्ड्रेंट हमारे नाइन्टी डिग्री के ही होंगे अब अगर हम इसमें देखें तो पहला देखिए आप लाइन ओ ए लाइन ओ ए ये ये हमारा नॉर्थ पैंतालीस डिग्री ईस्ट मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चल रहे हैं फोर्टी फाइव डिग्री सेकेंड देखिए लाइन ओ बी अब ओ बी बोला गया है साउथ थर्टी डिग्री ईस्ट तो साउथ ये है हमारा ईस्ट की तरफ जाना है हमको थर्टी डिग्री तो साउथ से थर्टी डिग्री आगे बढ़े तो ये लाइन ओ बी हमारी आ जाएगी नेक्स्ट देखिए लाइन ओ सी कितना दे रखा है साउथ साठ डिग्री वेस्ट तो साउथ से वेस्ट की तरफ हम चलेंगे सिक्सटी डिग्री तो हमारी ये ओ सी सर्वे लाइन आएगी लाइन ओ डी नॉर्थ थर्टी डिग्री वेस्ट तो नॉर्थ से थर्टी डिग्री चलेंगे वेस्ट की तरफ तो ये हमारा नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है और ये वेस्ट है तो इस प्रकार हम क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम पूरा करते हैं आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अगर आपको फिर भी कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जय हिंद